दो मेंढक की हार और जीत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो मेंढक रहते थे। एक दिन वे दोनों मेंढक खेलते खेलते एक दूध के मटके में गिर गए। मटके के अंदर बहुत सारा दूध था और मटके की दीवार बहुत चिकनी थी। दोनों मेंढक ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहे। एक मेंढक ने थोड़ी देर कोशिश की और फिर हार मान ली। उसने सोचा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है और उसने तैरना छोड़ दिया। वह धीरे धीरे मटके के तल में डूब गया और मर गया। दूसरे मेंढक ने हार नहीं मानी। वह लगातार तैरता रहा और अपने पैरों से दूध को मारता रहा। उसने सोचा कि उसे आखिरी दम तक कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे उसके तैरने और दूध को मारने से दूध का मक्खन बनने लगा। मेंढक ने मक्खन की सहायता से उछलकर मटके से बाहर निकल आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए। दृढ़ता और लगातार प्रयास से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कठिन समय में भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि यह और भी लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी सभी नई कहानियाँ सबसे पहले सुन सकें।